हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज की कबड्डी आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इंडिया सीक्रेट सर्विस इन एक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं? सो हम देख रहे हैं मोदी जी का प्रोटोकॉल इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स, अल्फाज आसान अल्फाज में। तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, उनके बड़े हैवी प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर जगह पर ऐसे ही चलता है। ट्रंप के बिल्कुल इंडियन सीक्रेट सर्विस एक्शन तो जो प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीक्रेट सर्विसेज के पास। लेट्स सी दिस वीडियो। कुछ कंट्रीज में कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ VVIPs की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पे सीक्रेट मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी कैसी? लेट्स सी। और सामने लिखा यूज हैंडफोन तो हम नहीं यूज कर रहे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम लोग कहते हैं आप लोग नहीं बताते, इसलिए लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम बता रहे हैं सब्सक्राइब करें। Bye.
तो आज हमने देख लिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कैसा होता है। अच्छा, नॉर्मली जितने भी वीवीआईपीज होते हैं इनकी बॉडीगार्ड ऐसे होते हैं, सूटेड बूटेड ग्लास अप, लेकिन ये जो वो हैवी किस्म के वेपन के साथ छोटी गन्स होती है ना, ये हैवी वेपन वाला मैंने पहली दफा देखा हैवी किस्म की। बाकी ये एक कॉमन चीज होती है कि सेम गाड़ियां होती हैं 5, 7, 10, 12 और जिनमें से किसी एक में आपने वो वी आई पी रखा होता है, वो एक पजल होती है किसमें छुपाया हुआ भाई। और जब ये गाड़ी अभी इसको तो मेन रोड पर उस तरह मूवमेंट दिखाई नहीं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स में होता ही है कि ये जो गाड़ियाँ ये कंटिन्यूअसली मूविंग होती हैं, तो ये ऐसे, लेकिन ये होता है कि वो जो मेन गाड़ी होती है हमेशा दरमियान में रह रही है, प्लेस चेंज कर रही है, वो गाड़ियाँ मिक्सअप हो रही होती हैं, तो ताकि इन केस अगर कोई बहुत वेल प्लान से भी आए तो उसे समझ ना आए कि कौन सी गाड़ी किस तरह मूव हो रही है और विच कार इज टू टारगेट, क्योंकि पूरा एक प्लान के साथ ये पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन होते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक होता है। बाकी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट गाड़ियाँ हमने चेंज होती देखी ना, और जो गार्ड्स होते हैं उनका अगर देखा जाए तो ये सिर्फ वो साथ मूवमेंट नहीं हो रही होती, वो जब गाड़ी में बैठ रहे थे देखा वो आगे खड़े होके वो हर टाइम वो है ना दूरबीनें चल रही होती है, वो नजरें पूरी। अच्छा, इस चीज़ से ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ जुड़ी हुई है बड़ी, पाकिस्तान में बड़ा एक रिसेंट में एक वेव चली थी वी आई पी कल्चर के अगेंस्ट, तो कुछ लोग इसकी फेवर में होते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना हाई सिक्योरिटी के थ्रेट्स हों तो बेशक हो, लेकिन मतलब जनरली इतनी हाई सिक्योरिटी और इतना वीआईपी प्रोटोकॉल जो मिनिस्टर्स और एमएनएज और प्राइम मिनिस्टर इवन उनको इतना हाई सिक्योरिटी और इतना हाई प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अवाम की टैक्स पेयर से जाता है सारा पैसा, तो ये मतलब उनको सूट नहीं करता डेमोक्रेसीज में। ये बात है, ये हमारे यहाँ तो चलता रहा, बहुत बड़ी एक वेव चली थी जिसमें वीआईपी कल्चर को डिस्करेज किया गया था बहुत ज़्यादा, इवन जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी और जो करंट गवर्नमेंट है उसने तो बहुत क्रिटिसाइज किया था अपने टाइम पे, तो जो करंट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का एक कराची में ट्रैवल हुआ था और उसमें शायद 15-20 गाड़ियां थी, तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा इशू बना था ये कि ये क्यों मतलब ये इतनी गाड़ियां क्यों साथ में जा रही, तो एमएनए आर अलाउड ओनली वन कार, अब यहां पर सिर्फ एक से ज्यादा कार नहीं रख सकते हो, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ऑल्दो कि यहां पे बहुत सारी वायलेशंस होती हैं अभी भी, लेकिन एक वेव चली थी जिसमें दो ग्रुप्स बने थे कि कुछ कहते थे कि होना चाहिए, कुछ कहते थे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आई डोंट नो इंडिया में क्या सिनेरियो है, जो एमपीएस होते हैं इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीएस और एमएलएस उनकी क्या सिक्योरिटी, मतलब कितना प्रोटोकॉल लेते हैं वो, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मतलब ऐसी कोई वेव चलती है वहां पर या नहीं। यहां पे जो यहां पे एमएनएस होते हैं, वहां पे एमएलएस होते हैं, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेरे ख्याल से होता है, और यहां पे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पुलिस गाड़ी होती है एक एमएनए के पास, इसी तरह एमपीए के पास भी एक पुलिस की गाड़ी होती है, मैक्सिमम उसके ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, और जो उसके अलावा बाकी हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं कुछ मिनिस्टर्स, सीएम और प्राइम मिनिस्टर, सीएम और मिनिस्टर्स, उनके पास थोड़ा सा प्रोटोकॉल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बट उसमें भी ये जो रोड्स को बंद किया जाता था पहले तो कम्प्लीटली रोड बंद क्योंकि मूव होना, उसको बड़ा क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जा सकता, यहाँ पे मिक्सअप होता है, समटाइम वो लोग कर लेते हैं रोड बंद, समटाइम नहीं होती, तो यहाँ पे मिक्सअप चल रहा है, वैसे ये है कि नहीं की जानी चाहिए। रीसेंट टाइम्स में इस पर बड़ा मतलब क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान में, हाँ काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चला था, और इवन जो बड़े आईजीज और डीआईजीज ये भी अब जब मूव करते हैं तो इनके साथ भी 3-4 गाड़ियाँ होती हैं मैक्सिमम, और कभी 2 होती हैं, कभी 3 या 4, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ कम ही किसी हाई प्रोफाइल, पहले हर सिचुएशन भी ऐसी थी तो उसमें काफ़ी सिक्योरिटी रखी जाती थी, अब तो क्योंकि बिल्कुल हालात नॉर्मल हो गए हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था पाकिस्तान में, तो अब वो मूवमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में शायद प्राइम मिनिस्टर का तो प्रोटोकॉल होगा ही हो, ये काफ़ी बड़ा वैसे कन्वॉय दिखाया गया था, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ ईच कंट्री, हर कंट्री अपने हिसाब से रखा जाता है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मतलब ट्रंप का कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखना, वो तो भाई पता नहीं क्या कुछ लेके कौन कुछ कह सकता है लेकिन फिर भी मतलब हर किसी की अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे मर्जी हो। सो ये सारी रुदात सुनाने का मकसद ये था, ये नहीं था कि ये नहीं होना चाहिए, ये बात ये थी कि इंडिया में इस चीज को कैसे लिया जाता है और क्या इसके बारे में क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात शेयर की कि यहां पर क्या वेव चली थी। एग्जैक्टली, और जैसे प्राइम मिनिस्टर करंट अनाउंस हुआ था ना, पार्टी जीती थी, तो
वो ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो वो ऑटोमेटिकली अभी प्राइम मिनिस्टर वो बने भी नहीं थे, तो उनके घर के पूरे वो सिक्योरिटी जो तो कंट्रोल था वो चेंज हो गया था अचानक से, गवर्नमेंट ने वो ले लिया था जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उस वक्त की पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट चेंज होती है इलेक्शन से पहले, तो वो सिटिंग गवर्नमेंट ने पूरा सिक्योरिटी में ले लिया, तो जो उनके पार्टी के लोग थे उनको भी एंट्रेंस के मसले हो रहे थे, जो पार्टी के लोगों को भी नहीं जाने दे रहे थे इतनी आसानी से जब तक अंदर से उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती थी, तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी जाती है। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, जो इतनी सारी बातें हैं उनके बारे में अगर कुछ कहना है तो कुछ कह सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।